नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। जरा सोचिए, कभी आप खाना खाने बैठे हो और उसमें कोई कंकर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि हम खाने को छोड़ देंगे या फिर नया खाना ले लेंगे। लेकिन अब हमारा अगला सवाल है कि अगर आपको कभी छिपकली पकड़ने के लिए कहा जाए तो क्या आप उसे आसानी से पकड़ लेंगे? अब आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें इस काम में डर लगेगा, और वहीं कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हाँ, हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा अगला सवाल यह है कि क्या आप किसी जंगली एरिया में चलते हुए किसी सांप, बिच्छू या केकड़ा को आसानी से अपने हाथ में उठा सकते हैं? अब इसका आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें उनके आसपास भटकने से भी डर लगेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इसी तरीके के जहरीले जानवरों को उठा लेता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह उन्हें कच्चा भी चबा जाता है। हम में से कई लोग हैं जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम उसे पकाकर खाते हैं, लेकिन ये जो शख्स है ये इन्हें कच्चा ही चबा जाता है। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है करण नेहरिया, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले हैं। करण को बचपन से ही इस तरह की आदत है और वो बचपन से ही सांप, बिच्छू, छिपकली और केकड़े जैसे जहरीले जानवरों को कच्चा चबा जाते हैं। जानवरों की तरह, जानवरों को कच्चा चबाने वाले, भोजन की तरह खाने वाले ये जो करण है, ये अजमेर में एक फार्म के मालिक भी है। इनका कहना है कि ये अपने 14 साल की उम्र से ही इस तरह से खाना खा रहे हैं। अगर उन्हें एक दिन भी सांप, बिच्छू या केकड़ा या छिपकली ना मिले तो वो रह नहीं पाते, और वो ये कहते हैं कि उन्हें इसकी एक आदत सी हो चुकी है और वो एक दिन में दो जानवरों को खाते हैं। एक्सपर्ट्स करण के बारे में बताते हैं कि वो क्योंकि इस तरह का सेवन बचपन से कर रहे हैं तो अब उन्हें इसकी आदत सी हो गई है, और अगर उन्हें इस तरह का खाना नहीं मिलता है तो उनकी जो बॉडी है वो अपोजिट में रिएक्शन करने लगती है, अपोजिट रिएक्ट करने लगती है। तो इसीलिए उनका जो डेली का भोजन है वो एक तरह से ये जहरीला भोजन ही बन चुका है। करण अब अपने बेटे नेहर को भी इसी तरह का भोजन खाना सिखा रहे हैं। करण अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस तरह के काफी वीडियो शेयर करते रहते हैं जिसमें वो सांप, बिच्छू और केकड़ा या छिपकली जैसे जानवरों को खाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो करण है जो इन दिनों अपनी सजीवों गरीब आदत की वजह से चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और जाहिर सी बात है कि ऐसा करना खतरनाक भी साबित हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।